मान लिया मैंने घोड़ा, ये घोड़ा है, घोड़ा यानी कि हॉर्स, ठीक है ना। ये कहां पे बंधा हुआ है, टाइड, जो इनका बांधने का वो होता है टाइड, वहां पे बंधा हुआ है। तो ये घोड़ा है, ध्यान से सुनना, यहां पे सुनने का मेथड है, ये घोड़ा है जो कि इससे जीरो रखने पे जो पॉइंट आता है यानी x इक्वल टू वन पे बंधा हुआ है। ये एक घोड़ा है, ठीक है ना, स्मार्ट घोड़ा, ठीक है ना, स्मार्ट घोड़ा। ये घोड़ा है जो कि वन पे बंधा हुआ है और इसे घास खानी है, ठीक है, क्या खानी है, घास, ठीक है। ये घोड़ा है, इसे घास खानी है। अब क्योंकि इंटेलिजेंट घोड़ा है, इंटेलिजेंट घोड़ा है, ठीक है ना, है भी तो आईआईटी वाला, ओके। तो एक घोड़ा है जो कि वन पे बंधा हुआ है, इसे घास खानी है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट घोड़ा था तो उसने बोला कि भाई टू डिस्टेंस, ये घोड़ा था वन पे बंधा हुआ था और इसे टू डिस्टेंस की घास खानी थी, क्योंकि इंटेलिजेंट है, इतना समझ गया कि टू डिस्टेंस की घास खानी है, दूसरे के यहाँ पे नहीं जाना है। तो टू डिस्टेंस की, ये क्या बता रहा है आपको, डिस्टेंस बता रहा है, ये किसने डिस्टेंस की घास खानी है, इसे टू डिस्टेंस की घास खानी है। तो ये वन पे बंधा हुआ था, टू डिस्टेंस इधर चला गया, तो टू डिस्टेंस जब ये इधर गया तो थ्री पे पहुंच गया, है तो घोड़ा ही, इधर भी जाएगा, तो टू डिस्टेंस इधर चला गया, तो टू डिस्टेंस इधर चला गया, तो किस पे पहुंच गया, माइनस वन पे। बात आई समझ में, एक घोड़ा है, इंटेलिजेंट घोड़ा है, आईआईटी जेई वाला है, ठीक है ना, आईआईटी जेई वाला घोड़ा है। अब ये वन पे बंधा हुआ है, वन पे ये घोड़ा है, एक्स, एक्स अकेला गया घोड़ा, किस पे बंधा है, वन पे, वन पे बांध दिया, टू डिस्टेंस की घास खानी है, टू डिस्टेंस, ठीक है ना, टू डिस्टेंस इधर चला गया, तीन, टू डिस्टेंस इधर आ गया, माइनस वन, लेस देन मतलब अंदर वाली, लेस देन मतलब अंदर वाली, लेस देन मतलब अंदर वाली घास। तो अंदर वाली घास कौन सी है, ये नहीं है बात समझ में। एक घोड़ा था, एक्स मतलब घोड़ा, किस पे बंधा हुआ है, वन पे बंधा हुआ है, टू डिस्टेंस की घास खानी थी, टू इधर, टू इधर, अंदर वाले डिस्टेंस, ठीक है ना, अंदर की तरफ, लेस देन मतलब अंदर की तरफ। तो आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री, पता ही समझ में ना। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो, यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, घोड़ा किस पे बना हुआ है, फाइव पे, एक घोड़ा है, फाइव पे बना हुआ है, फाइव पे, तीन डिस्टेंस की घास खानी थी, तो थ्री डिस्टेंस की घास खानी है, कितने डिस्टेंस की, थ्री डिस्टेंस की, थ्री डिस्टेंस की घास खानी है, तो थ्री डिस्टेंस आगे की तरफ गए, तो यहाँ से थ्री डिस्टेंस आगे चले तो कहाँ पे पहुंच गए, आठ पे, यहाँ से थ्री डिस्टेंस आगे चले तो कहाँ पे पहुंच गए, आठ पर, यहाँ से थ्री डिस्टेंस पीछे की तरफ आए तो कहाँ पे पहुंच गए, थ्री डिस्टेंस दो पर, ठीक है ना। यहां से थ्री डिस्टेंस आगे चले तो आठ पे पहुंच गए, यहां से थ्री डिस्टेंस आए तो दो पे चले गए, इसे घास खानी थी थ्री डिस्टेंस की, ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली, ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली। ये घोड़ा था, पांच पे बंधा हुआ था, तीन डिस्टेंस की घास खानी थी, इसे तीन डिस्टेंस आगे चला गया, ये बता आगे चला गया, तीन डिस्टेंस आगे चला गया, आठ पे पहुंच गया, दो पे पहुंच गया। अभी ये स्मार्ट है, आईआईटी वाला है, स्मार्ट है, तो इससे बोला कि भाई बाहर वाली घास खानी है, ये इस साइन को समझ गया कि बाहर वाली, तो मतलब इससे आगे वाली घास खानी है, इसे और इससे आगे वाली, ठीक है ना, अंदर वाली नहीं खानी है, बाहर वाली खानी है। तो ये कितनी घास खा गया, तो ये माइनस इंफिनिटी से टू तक खा गया, यूनियन आठ से लेके इंफिनिटी तक खा गया। बात आ गई समझ में, आगे बात समझ में, क्लियर, ओके। अभी देखो आप इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और, क्लियर, बात आगे समझ में भाई, ठीक है ना। नहीं आई बात समझ में तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो यहाँ पे, नहीं तो अगला क्वेश्चन देख लेना, इसके बाद आपको शायद समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी मेथड तो समझ में आ ही गया आपको क्या है। अब ये घोड़ा वाला मेथड है ना, घोड़ा वाला मेथड वो वाला और समझ रहा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, जैसे अब मेरे पास क्वेश्चन होता है यहाँ पे, x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, एंड फोर्थ वन इज x माइनस फाइव, x प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू वन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फाइव इज x प्लस एट कम और इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एंड सिक्स इज x माइनस थ्री का मॉड इज लेस देन इक्वल टू टेन, ज्यादा हो जाएगा फाइव ले लो, ठीक है ना। बात आगे समझ में, ओके। नाउ ये क्वेश्चन है, अब देखो ये घोड़ा है किस पे बंधा है, ये घोड़ा है किस पे बंधा है, माइनस वन पे,
ये किस पे बना है? माइनस वन पे बना है। तो घोड़ा है माइनस वन पे बना है। कैसे पता चला माइनस वन पे बना हुआ है? कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखो तो माइनस वन आ जाता है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखो तो माइनस वन आ जाता है। तो ये घोड़ा था माइनस वन पे बना हुआ है, तीन डिस्टेंस की घास खानी थी, माइनस वन में थ्री करो तो टू पे पहुंच जाते हैं, माइनस वन इधर लेके आओ तो माइनस फोर पे पहुंच जाते हैं। क्लियर? ठीक है ना। इसमें से इसे माइनस करो तो थ्री आ जाएगा, इसमें से माइनस करो थ्री आ जाएगा, थ्री डिस्टेंस हो गया। ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली, ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली, ये बाहर वाली घास हो गई, ये बाहर वाली घास हो गई। तो ये कितनी घास खा गया? माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर यूनियन टू से लेके इंफिनिटी। आंसर चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना आप, निकाल के नहीं आएगा ना। घोड़ा है अभी किस पे बना हुआ है? घोड़ा है अभी किस पे बना हुआ है? माइनस फाइव पे। क्लियर? माइनस फाइव पे बना हुआ है। ये घोड़ा था माइनस फाइव पे बना हुआ था। अब इसे कितने डिस्टेंस की घास आनी थी? वन, तो वन आगे गए, वन आगे गए तो किस पे पहुंच गए? माइनस फोर पे। वन इधर आए तो किस पे पहुंच गए? माइनस की सिक्स पे। क्लियर? वन आगे गए तो माइनस फोर, पीछे आए तो माइनस सिक्स। वन डिस्टेंस की घास आनी थी, अंदर वाली घास। अंदर वाली घास का मतलब है ये वाली घास। तो ये वाली घास आ गया, तो x belongs to minus 6 to minus 4 हो गया। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत ना हो जल्दी से बताइए। ये घोड़ा किस पे बना हुआ है? जल्दी से बताओ ये घोड़ा किस पे बना है? माइनस के 8 पे बना है, माइनस के 8 पे बना है। भाई दो डिस्टेंस की घास खानी है तो माइनस 8 में दो आगे चले गए तो माइनस 6 पे पहुंच जाओगे या नहीं? माइनस 8 से आगे दो आगे गए तो कितने पहुंच गए? 6 पर। और यहाँ पे आगे आगे तो किस पे पहुंच गए? माइनस के 10 पे। ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली घास, ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली घास, तो बाहर वाली घास मतलब ये वाली घास। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर कितना आ गया? x belongs to minus infinity to minus 10 union minus 6 to infinity। बात आ गई समझ में? इसमें लेस देन रख लेते हैं सिर्फ। ओके, बात आ गई समझ में? आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसे मेथड से सॉल्व कर लेना जो मैंने पहले बताया। क्लियर? यही सब आंसर आएंगे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये घोड़ा है किस पे बना हुआ है? अभी 3 पर। ये घोड़ा किस पे बना है? 3 पर। क्लियर? पांच डिस्टेंस आगे चला गया तो कितना हो गया ये? 5 आगे चला गया तो 8। पांच डिस्टेंस इधर चला गया तो कितना हो गया ये? पांच डिस्टेंस इधर लेके आते से कितना हो जाएगा? 3 और 2 माइनस का 2। क्लियर? क्लियर? माइनस का 2 आ गया यहां पे। 5 डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 5, 3 माइनस 2 2 5, ठीक है ना? 8 माइनस। ओके, लेस देन मतलब अंदर वाली घास। तो लेस देन मतलब अंदर वाली घास खा गया ये, अंदर वाली घास हो गई। क्लियर? ये अंदर वाली घास हो गई। अब इसे चेक कर लो आप, x belongs to कितना हो गया? माइनस 2 से लेके 8। आंसर आपका खत्म। बात छह ही नहीं ज्यादा। बात आ गई समझ में? तो इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके, और ध्यान से, धैर्य के साथ जो मैंने लिखा है ये मेथड, उसी तरह आप कॉपी में लिख लो। आपको जैसे कॉपी में लिखना है ताकि आप 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जब भी इसे पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? आपकी नोटबुक को आपके अलावा कोई और देखने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्कूल की तरह ये कॉपी चेक होगी और उसका कोई फायदा भी नहीं है। क्लियर? आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाए, इसलिए आप अच्छे नोट्स बना रहे हो, आगे फ्यूचर में ये काम आए। तो ऐसे नोट्स बनाओ कि जो भी बोर्ड है वो बोर्ड पर से सब लिखता रहो। ठीक है ना? कॉपी आपकी नोटबुक जो है वो बोर्ड का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? जो टीचर बोले और जो बोर्ड पर लिखे वो सारी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है ना? रिलेटेड टू पढ़ाई, रिलेटेड टू पढ़ाई, जो भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बताया गया है, चाहे वो घोड़ा हो चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपकी कॉपी में प्रॉपर होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन करिए। ओके ओके, बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं आप। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है अपने पास। तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि आप डायरेक्टली मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना? इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो प्लीज उसमें ऐसे लगा के, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर देना। चाहो तो आप किसी एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन होता है 3x minus 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू, इज लेस देन इक्वल्स टू 6। चलो ये क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करेंगे। अभी इसमें घोड़ा वाला मेथड मत लगाना क्योंकि यहाँ पे घोड़ा के साथ 3 हो रहा है। ठीक है ना? घोड़ा मतलब मैंने बोला था x है सिर्फ, है ना, x अकेला होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले मैं आपको इसे मेथड से बता देता हूँ, फिर उसके बाद घोड़े वाली टेक्निक से बताऊंगा। ठीक है ना? तो मेथड से मैंने बताया तो ये अकॉर्डिंग टू मेथड तो 3x minus 1 is in between 6 to minus 6 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट यही हो जाएगा। तो ये हो गया एक इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी ये हो गई। तो minus 6
इज लेस देन 3x माइनस 1 हो गया एंड एंड आ गया यहां पे और ये हो गया 3x माइनस 1 इज लेस देन 6 ओके नाउ अब ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x ये इधर पहुंचा दो आप 5 हो गया ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा ओके और x इज इक्वल टू कितना आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 चलिए यहां से कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6 अरे ये तो बार-बार ऐसे ही लिख दिया मैंने इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 7 तो x इज लेस देन इक्वल टू 7/3 क्लियर अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा क्यों इंटरसेक्शन आएगा आप समझ गए होंगे क्यों इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि बीच में एंड था क्योंकि बीच में एंड है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा क्यों इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि बीच में एंड है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा बात आ गई समझ में 3x ये उधर गया तो माइनस का 5 ठीक है ओके तो नाउ नंबर लाइन बनाते हैं नंबर लाइन पे माइनस का 5/3 तो यहां पे कहीं होता है ओके और 7/3 यहां पे कहीं होता है तो अब क्वेश्चन ये है कि पहली बार ये इनइक्वालिटी ने बोला कि मुझे -5/3 से 3 या 3 से बड़ा चाहिए तो पहली इनइक्वालिटी ने बोला मुझे -5/3 या उससे बड़ा चाहिए और दूसरी इनइक्वालिटी ने बोला मुझे 7/3 या उससे छोटा चाहिए मुझे 7/3 या उससे छोटा चाहिए दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कौन सा आ गया ये वाला रीजन आ गया दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या आ गया ये आ गया तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -5/3 से लेके 7/3 हो गया ठीक है ना बात आ गई समझ में ओके अब इसे अपना ठीक है ना अपने तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे वो देख लेते हैं अब ये जो केस है ना भाई ये वाला जिसमें 3x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है ये ऐसा केस है आपने कभी अगर किसी गांव में या किसी घोड़े को या किसी मूवी में कहीं पे भी अगर घोड़े घोड़े को देखा है तो कुछ समय के लिए उसके मुंह पे कुछ बांध देते हैं जिससे कि वो अनावश्यक चीजें ना खाए ठीक है ना तो कभी कभार उसके मुंह पे कुछ बांध देते हैं ऐसा कुछ ताकि वो चीजें ना खाए तो ये वही है 3 तो अगर आपको घोड़े को घास खिलाने के लिए लेके जाना है तो मुंह से तो कुछ उठाना पड़ेगा भाई ये वही चीज है ना 3x-1 तो ये घोड़े के मुंह पे कुछ बंधा हुआ है ठीक है ना अब आपको उसे घास खिलाने के लिए लेके जाना है तो उसे हटाना पड़ेगा तो आप यहाँ से 3 बाहर निकाल लो तो 3 मोड से बाहर निकाल सकते हैं तो x माइनस 1/3 हो गया इज लेस देन इक्वल टू 6 हो गया क्लियर भाई तो ये हो गया x माइनस 1/3 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 इज अ पॉजिटिव नंबर 3 इज अ पॉजिटिव नंबर तो 3 से डिवाइड कर दिया 6 2 आ गया बात आई समझ में ना अभी ये घोड़ा हो गया जिसका मुंह खुला हुआ है घोड़ा किस पे बंधा है 1/3 पे 1/3 पे बंधा है अब इसे 2 डिस्टेंस आगे जाना है तो 2 डिस्टेंस आगे जाना है तो ये कितने पे पहुंच जाएगा ठीक है ना 7/3 पर तो ये किस पे बन जाएगा 7/3 पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2 ठीक है ना चेक कर लो आप ठीक है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 7/2 7/3 सॉरी यहां पे कर दो आप तो यहां पे कितने पे आ जाएगा माइनस का 5/3 ठीक है ना तो माइनस का 5/3 आ जाएगा क्लियर तो ये माइनस का 5/3 आ गया अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 और 2 है बात आ गई समझ में नाउ अंदर वाली घास खानी है तो अंदर वाली घास खा गया अंदर वाली घास खा गया ठीक है ना तो आंसर आ गया x belongs to माइनस का 5/3 से लेके 7/3 तक ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू है तो सॉरी क्लोज आएगा लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज आएगा ठीक है ना सॉरी क्लोज आएगा ठीक है ना तो आगे आंसर बता के समझ में तो इस केस में क्या फर्क है इस केस में यहाँ पे घोड़े के मुंह पर ही कुछ बंधा हुआ है ठीक है ना ये क्या है ये घोड़े के मुंह पर क्या बंधा हुआ है